आज लक्ष्मी पूजा है, आज मोहन थाल बन रहा है, तो मोहन थाल बनाना बहुत ही ईजी तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा समय लगता है, बट इसका जो एंड रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसके पहले हमने बनाई थी दिवाली क्रिस्पी स्नैक, कोकोनट बर्फी और मसाला मछली। मोहन थाल बनाने के लिए पहले ये थोड़ा दूध और घी थोड़ा सा गुनगुना करना है, तो या तो आप गैस पे गरम कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव में जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। तो ये दोनों ऐसे मिक्स करके फिर हमें इसे बेसन में डालना है। ये जो बेसन है वो थोड़ा फाइन है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसे रवेदार सा टेक्सचर देना है, इससे आपकी मोहन थाल बहुत ही रवेदार सी बनेगी। तो इसे मैंने पहले चम्मच से मिक्स कर लिया है, फिर बाद में आप इसे दोनों हाथों से हल्के हल्के से ऐसे मसलना है, तो इससे आपके बेसन में अच्छा टेक्सचर आएगा। ये देखिए इसे हमें ढक के रख देना है एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। फिर मिक्सी जार में मैंने इसे थोड़ा दरदरा फाइन कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए हमारा जो बेसन है अब रेडी है। मोहन थाल को सॉफ्ट और दानेदार सा बनाने के लिए हमें और कुछ नहीं डालना है। इधर मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल और घी डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेजरमेंट लिखा है। तो ये हमें डाल के इसे लो फ्लेम पे चलाते रहना है। इसे भूनना ही बहुत समय लगता है। जैसे आप देख रहे हैं ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, और धीरे धीरे आप देखते रहेंगे कि ये घी रिलीज़ करना शुरू कर देगा और ये जो हमारा मिक्स है थोड़ा पतला सा हो जाएगा। तो तब ये मिक्स रेडी है हमारे नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसे भूनने के लिए समय तो जाता है, पर जो एंड रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहता है। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स लगे मुझे भूनने के लिए। अब इसमें हम धीरे धीरे करके दूध डालेंगे, इससे आपकी मोहन थाल बड़ी दानेदार सी बनेगी और सॉफ्ट रहेगी बहुत दिनों तक। तो धीरे धीरे करके हमें दूध ऐड करना है। जब ये सब ऐड हो जाए ठीक से, आपका मिक्स कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा और गैस ऑफ करनी है। तो इसे हमें चलाते रहना है क्योंकि आप कढ़ाई गर्म है, भले ही हमने गैस ऑफ कर दिया तो फिर भी आपने इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब चाशनी के लिए इधर ले रहे हैं पानी, शक्कर, और केसर। इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसमें भी लगभग 10 मिनट लगता है। तो ये रही हमारी एक तार की चाशनी रेडी। इसे हम गर्म ही मिक्स में डाल देंगे, बट इस समय गैस ऑफ है, और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तब इसे हम लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे। तो ये हमने सारी चाशनी इसके अंदर डाल दी और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो थोड़ी देर बाद मिक्स थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और आपकी मोहन थाल रेडी है। इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे जमाने के लिए। मैंने इसमें बेकिंग पेपर और घी लगा दिया है ताकि जब आप इसे डीमोल करें तो वो आसानी से निकल आए। और ऐसे हम इसे चम्मच की सहायता से फैला लेंगे ताकि ये प्लेन सरफेस हो जाए। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट है। और इसे ठंडा करने रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही छोड़ना है इसे। और इसे हमने थोड़ा दबा लिया है ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसमें चिपक जाए, जब हम पीस कट करेंगे तो ड्राई फ्रूट आपके बिखरेंगे नहीं। और लगभग 3 घंटे बाद आप इसे कट कर सकते हैं और हमारी सॉफ्ट मोहन थाल रेडी है। इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं, ये बहुत ही सॉफ्ट रहती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एकदम सॉफ्ट और दानेदार सी मोहन थाल बनी है। तो इस दिवाली पे मोहन थाल ज़रूर ट्राई कीजिए। हैप्पी दिवाली।